हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अयोध्या केस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अयोध्या केस के रिलेटेड हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। छोटा सा वीडियो होगा बट काफ़ी इफेक्टिव वीडियो होगा। आने वाले एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इस छोटे से वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। शुरू करेंगे, PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है। पहली बार विजिट करे हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे इजी सबके लिए, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे, लाइक कौन सी स्टेट में पड़ता है, ठीक है, अयोध्या सिटी। तो ये है जी हमारा उत्तर प्रदेश में, UP इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो सबसे इजी सबको पता है। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन रहेगा कि जो विवादित ज़मीन थी, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया था, कितने एकर ऑफ लैंड था, ठीक है, अयोध्या केस में, तो वो था 2.77 एकर। ओके, याद रखिएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो अयोध्या पड़ता है सरयू नदी के किनारे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फाइनल जजमेंट हुआ अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था 9 दिसंबर 2019, यानी कि 9 दिसंबर 2019। तो इसमें लाइक ये पूछ रहा है कि फाइनल डेट कौन सी थी, ठीक है। तो जो बेंच ऑफ जजेस था उसको हेड कर रहे थे हमारे 46 चीफ जस्टिस, जस्टिस रंजन गोगोई, ओके, जो अब रिटायर हो चुके हैं। देन उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सुप्रीम कोर्ट जजेस हु डिलीवर्ड हिस्टोरिक वर्डिक्ट इन अयोध्या केस। मैंने आपको बताया 5 थे, ठीक है। देन उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 47th जस्टिस, रंजन गोगोई ना इसी का वेट कर रहे थे, इसी फैसला सुनाने का। फैसला सुनाया, चलो रिटायर हो गए, ओके, क्योंकि काफ़ी साल से ये विवादित मामला था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बने शरद एसए बोर्ड पे, ठीक है, बोबडे जो बने 47th चीफ जस्टिस हमारी कंट्री के, ओके, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, ओके, 47th। देन उसके बाद नेम द मॉस्क्यो, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू अयोध्या केस। तो कौन सी मस्जिद है, बिल्कुल बाबरी मस्जिद, ओके। देन इन विच ईयर बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड, कब इसे डिमोलिश किया गया था, ओके, तो ये हुई थी 1992 में। देन उसके बाद इन विच ईयर बाबरी मस्जिद वॉज बिल्ट, तो ये जब तोड़ी तो गई थी 1952 में, डिमोलिश की गई थी, बट ये बनी कब थी, तो ये बनी गई थी 1528 में, ओके, याद रखिएगा। देन उसके बाद इन अयोध्या हु हैज डिस्ट्रॉयड प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है, तो ये जो मंदिर था ये तोड़ा किसने था, जो लॉर्ड भगवान का था, हमारे राम भगवान का था, तो ये मीर बाकी ने तोड़ा था इसको, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा किसने तोड़ा था, जो ऑलरेडी बना हुआ था। देन उसके बाद कंटिन्यूस हेयरिंग ऑफ अयोध्या लैंड डिस्प्यूट केस लास्ट वर्ड, मतलब लगभग 40 साल तक ये केस चलता रहा, 40 साल बाद ये फैसला हमें सुनने को मिला कि यहाँ पे मंदिर ही बनेगा, ओके। हु हैड द 5 मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि जो 5 मेंबर बेंच था जजेस का, उसको हेड कौन कर रहा था, वो हमारे जस्टिस रंजन गोगोई 46 चीफ जस्टिस थे, ओके। देन उसके बाद हाउ मेनी लैंड अलॉटेड फॉर बिल्डिंग ए मॉस्क्यू अंडर ए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। अब आपको पता है कि जब फैसला जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा फैसला लिया गया था, मॉस्क्यू बनाने के लिए भी अलग से ज़मीन जो अलॉट की गई थी, तो वो कितनी की गई, 5 एकर सेपरेट लैंड प्रोवाइड की गई मॉस्क्यू बनाई जाए, ओके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट किसके फेवर में आया था, ठीक है, राम जन्मभूमि व्यास के जो फेवर में ये फैसला सुनाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। देन उसके बाद ऑन दिवाली वे सिटी क्रिएट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग अवर 5.50 लाख अर्थन लैम्प्स, दिए जलाए गए थे, तो अयोध्या में जलाए थे ऑन द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर, ओके, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, इतने सारे दिए एक साथ जलाए गए थे, ओके। देन उसके बाद इट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ अयोध्या, अयोध्या का पुराना नाम क्या था, तो अयोध्या का पूरा नाम था फैजाबाद, ओके। देन उसके बाद हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट, जो अभी प्रेजेंट अभी हाल ही में बनाया गया, ठीक है, नृत्या मोहन गोपाल दास, नृत्या गोपाल दास का नाम आप याद रखेंगे, एंड इसके साथ साथ आप सेक्रेटरी का नाम भी याद रखेंगे, जो इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी बनाए गए चंपत राय, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, ओके। देखो PDF आप डाउनलोड कर लो, इतने क्वेश्चन आप कर लो, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर 100% देखने को मिल जाएगा, इसको इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो आना हाई है फॉर एग्जाम, ओके। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।